नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार की बड़ी खबर। और आपको बता दें कि ग्यासपुर पुलिस टीम पर गोलीबारी मामले में रईस खान समेत 4 एवं 5 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। गोली लगने से सिपाही की हो गई थी मौत। जांच करने पहुंचे थे सारण रेंज के DIG। आपको बता दें कि बिहार के सीवान जिले में 2 दिन पूर्व हुए पुलिस टीम पर गोलीबारी के बाद प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बताते चले कि सिसवन थाना के प्रभारी गुप्त सूचना पर छापेमारी करने गई टीम वापसी में अपराधियों ने हमला कर दिया था, जिसमें वाल्मीकि यादव सिपाही की मौत हो गई थी। जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी लगातार कर रही है, जिसको लेकर सारण के DIG भी पहुंचे मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश की, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि रईस खान समेत 4 लोगों को नामजद एवं 5 अन्य लोगों पर थाना प्रभारी ने FIR दर्ज कराई है। रईस खान गिरोह पर दर्ज हुई प्राथमिकी में कौन कौन लोग शामिल हैं? बताया चले कि वाल्मीकि यादव के मौत के बाद सिसवन थाना प्रभारी राजेश कुमार, पूर्व MLC प्रत्याशी रईस खान समेत 4 लोगों एवं अन्य 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पूर्व MLC प्रत्याशी रईस खान गाँव के ही सुरेंद्र राम, अभय यादव एवं छपरा तरैया निवासी आफ्ताब मियाँ पर नामजद एवं 5 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार प्राथमिकी में जो बातें दर्शाई गई हैं, कहा गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रईस खान अपने गुर्गों के साथ अवैध वसूली एवं छिनतई करा रहा है। बताया जाता है कि पुलिस टीम जैसे ही वहां पहुंची, मदरसे के पास अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे एक सिपाही की मौत हो गई। बता चले कि सिवा थाना क्षेत्र के ग्यासपुर में पुलिस पर गोलीबारी के बाद जहां एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई, वहीं प्राप्त सूचना के अनुसार घटना स्थल से पुलिस को 6-7 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिसमें बताया जाता है कि इस घटना की बारीकी से जांच की जा रही है और मोबाइल फ़ोन बहुत से राज खोल सकते हैं। इस पूरे मामले पर बात की गई तो सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। बता दें कि 2 दिन पूर्व हुए रईस खान के गांव में पुलिस पर गोलीबारी मामले पर सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान की जा चुकी है, FIR भी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही इस केस का उद्भेदन हो जाएगा। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सिवान में जो ग्यासपुर में गोलीबारी हुई थी उसमें FIR दर्ज कर लिया गया है, जिसमें रईस खान समेत 4 लोगों पर नामजद और 5 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज हुई। सिसवन वाले में हम लोगों ने लोगों को चिन्हित कर लिया है कि कौन लोग इन्वॉल्व थे। एकदम केस का प्रॉपर डिटेक्शन हो गया है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ ठिकाना उसका मिल रहा है, हमारा अभी भी टीम उसमें घूम रहा है। और आप लोग को हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द हम लोग आपको उस मामले में भी PC करके बता देंगे। सारे अभियुक्त पकड़े, कुछ लोगों पे FIR दर्ज हुआ है, नेम्ड। हाँ, FIR नेम्ड हुआ है कुछ सर। तो हम लोग उसमें उस मामले में भी हम PC करके आपको हम पूरे मामले का किया। जो भी हम लोगों के शक के दायरे में था वो सारा वहाँ से फरार हो गया है। लेकिन हम लोगों का जो प्रोफेशनल वर्क है उसमें यह 100% है कि कहीं भी भाग जाएगा तो वह पकड़ा जाएगा। नहीं, घर से बरामद नहीं हुआ है। घर में सिर्फ महिलाएँ थी, महिलाओं से पूछताछ किया गया। लेकिन यह है कि पुलिस ने पूरी तरह से घटना का उद्भेदन कर लिया है। एक एक आदमी का नाम आ गया है, कौन कौन लोग थे, किसने गोली चलाई, सब यह मामला खुल गया है। अब हम लोगों को गिरफ्तारी करनी है और गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो प्रोफेशनल तरीका होता है पुलिस अपना रही है।